गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रसिद्ध फॉर। तो आज सुबह सुबह लड्डू की मम्मी इतनी थकी हारी आई हुई है रोटी से, तो पूछते हैं क्या हाल चाल है। थकान मिट गया लड्डू? नहीं, थकान है क्योंकि कल कुछ ज़्यादा ही घूमना पड़ेगा। और चावल दाल आलू का भुजिया और आपके लिए बनाएंगे अजवाइन का पराठा। अरे वाह, मेरे लिए क्यों अजवाइन का पराठा? मेरी हेल्थ सही नहीं है इसलिए। आपको वॉमिटिंग हो गया था। गाइस, ऐसे भी सबको मिलनी चाहिए जो अपने पति जो अपने पति आधा ही लगाए बाहर लगाई जो अपने पति का इतना सारा ख्याल करे ख्याल रखे। और इनका सुबह मैं देख रहा हूँ कि देख नहीं रहा हूँ, मैं तो सोया हुआ था, अभी जगह हूँ 8 बज रहे सुबह के। सुबह 6:30-7 बजे से वो जग के ये इतना सारा कुछ काम किए, रूम पूरा क्लीन हो चुका है, ठीक है, और इतना सारा काम किए ये। अभी खाना वाना बन रहा है, खाना वाना बन चुका है क्या? चावल दाल बन गया, सब्जी बस उठेगा लोग तब बनाएंगे। आपके लिए भी बनाएंगे, आपको भूख भी लगा था। हाँ यार, रात में तुम बिना खाए पहली बार लाइफ में बिना खाए सोए थे लड्डू। बिना खाए क्या, वॉमिट करके सो गए थे। हाँ, लेकिन खाए तो थे लेकिन वॉमिट हो गया था बहुत है, लेकिन भूख लगी थी मुझे लड्डू। हाँ, लेकिन आप बोल रहे हैं मैगी खाना है और वॉमिटिंग के बाद मैगी, और ऑब्वियसली अरे मैं ये सोच रहा था कि एटलीस्ट कुछ खा ले, ये नहीं था कि आप बोले कि मैगी खाना है, फिर हम लोग डिसाइड किए चावल और भुजिया खाएंगे। तब तक लड्डू परेशान कर दिया था पूरा, और उसके बाद हम लोग सो गए थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, ऊपर से इतना ज्यादा थकान हो गया था। हाँ यार, आप भूल गए थे कि आपको भूख लगा था। अरे वो भैया भाभी वैसे ही बहुत कम खाता है लोग। हाँ, लेकिन मुझे लगा यार अगर हम बोलते नहीं भूख लगी तो बोलेगा सब कि यार मतलब कि कितना ये खाता है ये। और गई जी मेरे को बोलते हैं खाओ खाओ, और खा खा के मेरे को मोटा कर दिया है, और उसके बाद से मेरे को कल पूरे टाइम चिढ़ाया है, मोटी हो गई है, मोटी हो गई। पूरे टाइम से नहीं, एक बार तो बोले थे हम। तो अब मैं फाइनली जिम ज्वाइन करूँगी। नहीं, जिम ज्वाइन मत करना, रूम पे हम लोग। नहीं नहीं नहीं, अब जिम ज्वाइन करना, रूम पे हम मेडिटेशन वगैरह करेंगे। पहले मैं जिम ज्वाइन करना चाहती थी अपना वेट गेन करने के लिए जब मेरी शादी नहीं हुई थी, अब मैं वेट लूज करने के लिए जिम ज्वाइन करूँगी। ऑल क्रेडिट गोज टू मी। वो कब तक करेंगे पता नहीं, अभी बहुत सारी पढ़ाई लिखाई करनी तो इनका। हाँ, और साथ में गाइस इन लोग का इनका न्यूज़ भी चल रहा है मॉर्निंग का, तो मॉर्निंग का न्यूज़ ये कवर हो चुका है। न्यूज़ में क्या क्या था आज का हेडलाइन? इसराइल के बारे में बताया जा रहा था कि बहुत सारे इंडियन सिटीजन वहाँ पे कर रहे हैं, प्लस नागालैंड अपना अलग डिमांड कर रहा है कि सोवरेन कंट्री बना दो उनको, क्योंकि संडे को ज़्यादा आर्टिकल नहीं आता है ना, तो मैं कल न्यूज़ नहीं देखी थी, तो मैं आज उस कल का ही देख रही थी, अभी सुबह का आज का नहीं देखा। और केरल में लैंडस्लाइडिंग हुआ है तो उसका भी तो न्यूज़ था ना? लैंडस्लाइड्स कैसे होते हैं, ग्रेविटी की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, ये सब पार्ट है। और सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग मतलब एशिया में ही होता है, एशिया में होता है, और इंडिया भी एशिया का एक पार्ट है, वो भी साउथ एशिया है, तो इंडिया भी मेजर पोर्शन, इंडिया का मेजर पोर्शन भी लैंडस्लाइड्स में जाता है, जैसे पहाड़ी इलाका तो जा ही रहा है, और केरल में बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हुई है, उसके वजह से लोगों को बचाया जा रहा है, बहुत लोगों की डेथ हो गई है, यहाँ तक कि बचाना भी नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, बट लोग कर रहे हैं। तो गाइस आप लोग बताइए, और आने वाले दिन में आर्मी में और नेवी में बहुत ज़्यादा वो होगा इंक्रीमेंट, मतलब कि और जो पोजिशन है ना आज इंडिया में जी, तो बहुत ज़्यादा सुधार होगा ये। और प्रधानमंत्री ने सैटेलाइट के लिए बोला है, तो अब नासा जैसा और एक एम्बेसी खोला गया है, एजेंसी खोला गया एजेंसी सैटेलाइट एजेंसी खोला गया है, तो आने वाले कुछ टाइम में इंडिया की पोजीशन भी ज़्यादा होगी। और चाइना ने वो किया है कि आने वाले 2030 तक हम लोग को नेट फ्री कर देना है पॉल्यूशन से, यानी 0% पॉल्यूशन, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन चाइना ही फैलाता है। तो वहाँ प्लास्टिक यूज भी ज़्यादा होता है ना, प्लास्टिक पॉपुलेशन भी ज़्यादा है वहाँ पे, तो वो करते हैं, प्लस पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो आपके बारे में आप लोगों को बताना था, क्योंकि मेरी स्किन की कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था,
क्योंकि यहाँ के यहाँ मैं आई तो चेंज हो गया क्लाइमेट वेदर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ पंखुरी ऐप के बारे में, जहाँ पे कि बहुत सारी सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको स्किन टाइप की, और मेनली जो इसका टैगलाइन ही ऐसा है कि आप लोगों को बहुत इंस्पायरिंग लगेगा कि ग्लो एंड ग्रो है इसका टैगलाइन, और वुमेन कम्युनिटी टू नो, यानी कि आप सारी वुमेन को जानिए, आप लोग अपने आप को जान सकते हैं, और स्पेशली ये जो ऐप है वो हम जैसी लवली लेडीज के लिए है, तो किस बात की देरी है गाइज। और ग्लो एंड ग्रो का मतलब ये शाइन करे और आगे बढ़े। रिलेटेड मेकअप आपकी ब्यूटी से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं और एक्सपर्ट आपको तुरंत जवाब भी देते हैं, तो फटाफट से आपको जवाब मिलती है। और यहाँ पे आप अपनी स्किन के बारे में जान सकते हैं, खुद सीख सकते हैं कुछ कि कौन सी क्रीम हम लोग यूज करें, मेकअप के बारे में जान सकते हैं, हेयरडू के बारे में जान सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे ट्यूटोरियल्स दी जाती हैं, आपको सिखाई जाती है, मास्टर क्लासेस होते हैं, और खास बात यह है कि मास्टर क्लासेस के आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं। बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे घर बैठे आप लोग बहुत तरीके की चीज देख सकते हैं, सीख सकते हैं, जैसे कि सोप शैम्पू बनाना घर पे बैठे आप लोग सीख सकते हैं, तो किस बात की देरी है। जल्दी से आप लोग पंखुरी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे ब्लॉग की तरफ। सो गाइस, तो लड्डू को खानी है सोन पापड़ी बीकाजी वाली। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे लड्डू की मम्मी कैसा लग रहा है आपको किचन में? मस्त वाला अच्छा लग रहा है कि कैसा लग रहा है? बहुत लोग मेरा कुकिंग का रेसिपी देखना चाहते हैं, कुकिंग ब्लॉग देखना चाहते हैं। हाँ। तो मैं ऐसा कुछ बनाती नहीं हूँ कि कुकिंग का ब्लॉग डालू, लेकिन कभी कभी तो कुछ बना ही लेती हूँ। हाँ। और मुझे स्पेशली पूरी खीर खाना अच्छा लगता है, तो मुझे मैं किसी दिन आप लोगों को खीर अपनी खीर का रेसिपी शेयर करूंगी, जो आप लोग पूछते हो कि मैं कौन सा चावल का या साबूदाने का बनाती हूँ, वो मैं अलग चावल का बनाती हूँ, जो आप लोग शेयर करेंगे। ओके, तो आज अपने भैया भाभी के लिए क्या क्या बनाई है? मैं कुछ नहीं बनाई हूँ आज, ज्यादा चावल दाल बनाई हूँ, आलू का भुजिया, भिंडी का भुजिया थोड़ा सा, और दाल फ्राई, क्योंकि भैया दाल फ्राई। भिंडी का भुजिया है एकदम मस्त क्रिस्पी सा, ये कुरुम कुरुम खाते हैं, लेकिन जब तक खाएंगे तब तक सॉफ्ट हो जाएगा ना। और क्या रहेगा? सैलेड रहेगा, पापड़, और ये दाल, यहाँ पे बिग बॉस, यही पे रह जाइए जी। हाँ। मजाक नहीं, सच में अभी हम थोड़ी रहेंगे, आप लोग कमेंट करिए कि हम लोग को आप करवा चौथ एक साथ देखना चाहते हैं कि अलग अलग, तो ज्यादातर का तो सबका कमेंट ज्यादातर होगा एक के साथ, आप लोग कमेंट करना ठीक है, हम लोग कमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे खाने में मतलब इनके हाथ का क्या पसंद पड़ा है आपको खाने में? इनके हाथ का मेरे को सबसे अच्छा लगता है डोसा। डोसा कब? क्योंकि ये कब का खाया है? जब ससुराल, अपने ससुराल में थी, तो ये बनाया। यहाँ पे आ चुका है मेरा करवा चौथ का ज्वेलरी, जो कि आप लोगों को दिखेगा करवा चौथ के दिन। फिलहाल मैं भाभी को दिखाती हूँ कि कैसा है। वैसे तो ग्रीन कलर का है थोड़ा बहुत, और भी कोई कलर है वो आप लोग करवा चौथ के दिन देखना। तो फिलहाल मैं इन लोगों को दिखाती हूँ, तब तक मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में, बाय। सो गाइज, इसी के साथ व्लॉग का हो रहा है एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड हाँ गाइज, क्या आपने पंखुरी ऐप को डाउनलोड किया? अगर नहीं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जल्दी से जाकर के डाउनलोड कीजिए और ट्राई कीजिए। ट्राई करने में क्या जा रहा है, क्या पता सही में बहुत लोगों के सोल्यूशन का मिल जाए, मुझे तो मिल गया। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कीजिए खूब सारा, और पंखुरी आपको भी शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइज, बाय।